base plate. We're online. Mint on view. Roger that, Bravo 6. There are multiple trucks in the docks in our charity worldwide. At this time, we believe they are target. Suck it up, life's tough, we know that. Someone's got better stuff and can throw cash. Tell them I don't give a fuck, make my own path. I don't need no handouts, I'm my own man. Gotta get it, I'll get it in fast, yeah. Got a girl and she'll get it, she bad, yeah. Man, I only get down with the best, I'ma leave the complaints with the rest, I won't ever stop now, I'ma get it now. Have my head face down in the fucking ground. Rock. तो भाई लोग स्वागत है एक और नई धाकू क्या होता है, धमाकेदार वीडियो में, धाकड़ वीडियो में। तो यार ये जो पिस्टल है ना हाथ में, बहुत बढ़िया लगती है जब पुछ पुछ करके चलती है, लेकिन इसका रिकॉयल भी उतना ही हावी है। और ये जो बंदा चाकू प्लस वो करके चल रहा है ना, फैन हो गया यार इस बंदे का, बहुत ही बढ़िया चल रहा है। लेकिन थोड़ा स्लो नहीं लग रहा आप लोगों को नोटिस करना, ये देखो थोड़ा स्लो सा लग रहा है मुझे। अब खैर यार स्लो तो चलता रहेगा, यहाँ मैं ऐसे ही पुछ से बंदे ठिला रहा था। लेकिन यार आपको भी पता है और मेरे को भी पता है कि ये कुछ ज़्यादा देर तक चलने नहीं वाले हैं, तो बदलनी पड़ेगी गन। हाँ बदलूँगा वे। और यार यहाँ पे चाकू पड़ा था तो बेमतलब का चला रहा था। हाँ ज़रूरत नहीं है, पागल हूँ मैं, उसको इग्नोर मारना। ये तो बस ऐसे ही चला रहा था, देख रहा था। खैर यहाँ पे अब गन बदलनी थी तो मैंने पिस्टल के बदले ले लिया। खैर उसकी तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और यार आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो यार, देखो क्या सीन चल रहे हैं घर में, सबको पता है, मेरे को पता है। मैं जब भी वॉइस ओवर करने बैठूं, जब भी जीने नहीं देती पब्लिक, बिल्कुल नहीं भाई। आज मतलब जब मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, मतलब मैंने सोचा अब इस समय करेंगे, ये शाम के समय, सारा टाइम देख लिया मैंने, कभी शांत नहीं होती पब्लिक। अब इस टाइम कर रहा हूँ तो भाई डीजे बजा के बैठे हुए हैं भाई, बहुत ही बढ़िया। पड़ोसी के छोकरे डीजे बजा के बैठे हैं, पूरी गली सर पे चढ़ा रखी है, लेकिन भाई वॉइस ओवर भी नहीं करने देना। अब यार मैं क्या ही बोलूँ, जितनी एडिटिंग मार सकता था मार ली। मैं तो भाई परेशान हो चुका हूँ, एडिटिंग मार के किसी तरह मैंने किया है वो डीजे का वॉल्यूम कम। लेकिन यार अगर आपको तब भी सुनाई दे रही है, अगर कहते हाई फाई क्वालिटी के हेडफोन है, तो यार सॉरी यार उसके लिए, थोड़ा कम कर लेना, आपको नहीं सुनाई देगा। खैर जो भी कहना, यहाँ पे मैं सप्रेस उठानी चाहिए थी लेकिन मैं दूसरी उठा लेता, क्योंकि इसकी जो आवाज़ आ रही है ना, सुनो आप जो आवाज़ है, खच 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 खच, यही भाई बहुत तगड़ी लगती है मुझे, बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। अब यार हाथ में जो गन है ना, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट लिस्ट में, नंबर वन तो नहीं, नंबर टू पे ज़रूर आती है। और नंबर वन में कौन सी आती है ये मैं आपको आगे ज़रूर बताऊंगा कभी, सिर्फ कॉल ऑफ ड्यूटी की बात कर रहा हूँ, पबजी नहीं। पर पबजी से ज़्यादा है ये गन, पबजी में भी आ चुकी है, तो अब इसको हम तमीज से P90 बोलेंगे। पहले तो बेशर्मों की तरह बोल देते थे, ग्रोजा जैसी गन। ये गन भी मुझे चार बातें सुनाएगी आगे, नहीं तो इज्जत देनी पड़ेगी गन को। और ये बंदा होते मेरे को पता नहीं था, सामने वाला मुझे लगा अपना पार्टनर है, कि जब इसने पीछे मूव किया बॉटों की तरह, तो फिर भाई इन्होंने गोली मारी है तो हम कैसे शांत रह ले। अब यार यहाँ पे वो जो टैंकर है उसको खोलने जाना था, मेरे बहुत डर लग रहा था उस टैंकर को खोलने, क्योंकि पिछली बार मैं जब हेलीकॉप्टर का गेट खोल रहा था तो मैक्रो अचानक से आके फोड़ दिया था, लेकिन यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। कसम से मैं बहुत डरा पड़ा था कि मुझसे क्यों खुलवा रही चीज़ें। अगर आपको याद हो मेरा एक पार्ट था जिसमें मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी का था। और हाँ, आप अगर आप वीडियो छोड़ के जा रहे हो ना, जाना मत भाई, एंड बहुत ख़तरनाक है इस वीडियो का, याद रखना एंड बहुत ख़तरनाक है। मतलब ट्रेनों में होगी भाई फाइट, ट्रेनों में, मतलब लोग हमारा डेटा चुरा के भागेंगे, ट्रेनों में फ़ाइट होगी हमारी, दिक्कत की तो कोई बात ही नहीं है, बहुत ही तगड़ा सीन होने वाला है। अरे मैं टाइम पर निकल ली नहीं तो वो नेड ही मेरा बना देता हलवा पूरी। यार देखो मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ना,
ये डीजे वाले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, चलाए जा रहे हैं डीजे। अरे भैया चैट से वॉइस ओवर तो करने दो। अब मैं चुपके से साइड की तरफ तो आ जाता हूँ यहाँ ठिलाने ठुलाने, लेकिन भाई ये लौंडा बस मार ही गया था अगर मैं इसकी टंगड़ियों पे नहीं मारता कसम से। अब यार आप लोग मुझे ये बताओ कि ये वीडियो वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन यार इसका एंड ही तो ख़तरनाक है, वही तो दिखाना है। अब आप सीधा जाना मत, आराम से तसल्ली से देखो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो यार मैं आपसे ये पूछ रहा था, आप मुझे ये बताओ क्या मैं और भी पीसेस गेम डालूँ? मतलब देखो कॉल ऑफ ड्यूटी 4 तो मैं डालूँगा, वो तो ज़रूर है, वो तो मैं डाल दूँगा, लेकिन इसके अलावा और कोई गेम्स डालनी चाहिए क्या मुझे? आप मुझे कमेंट में बताना। देखो यार मैं कभी बोलता नहीं हूँ कमेंट करो, चलो आज बोलता हूँ कमेंट करो, कमेंट में बताओ हमें करना क्या चाहिए। बाकी आपको पता है आपको और क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना यार, मैं बहुत बोलता हूँ बहुत ज़्यादा, सब्सक्राइब कर दो यार, लेकिन कोई करके राजी नहीं होता, क्यों नहीं करते यार मुझे भी नहीं पता यार। यार आप अपने भाई को साथ नहीं दोगे तो किसको दोगे? हालांकि इस वक्त मेरे चैनल में कुछ खास बढ़िया चीज़ें नहीं हैं, मतलब सब्सक्राइबर बढ़िया नहीं है, लेकिन यार एक दिन ज़रूर ग्रो करूँगा पक्का, मौका तो दो यार, सब्सक्राइब तो करो यार। देखो अभी सभी यूट्यूबर की इच्छा क्या होती है, सबसे पहले फटाफट से 1K हो जाए। अब देखो यार अगर मेरे 1K हो जाते हैं ना, 1K, मैं फिर बोलना ही छोड़ दूंगा, सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो, मतलब बोलना छोड़ूंगा नहीं, बोलूंगा लेकिन कम हो जाएगा, क्योंकि 1K के बाद यार ऑटोमेटिक मेरे हिसाब से तो बढ़ने ही लग जाते होंगे। देखो यार स्टार्टिंग में जो करना होता है ना स्ट्रगल, बस की इतनी दिक्कत होती है पूछो मत। मतलब बीच में मेरे साथ ऐसे सही हुआ था, मेरे 20 सब्सक्राइबर थे, 20 से अचानक से पता नहीं कौन सी गाड़ी चढ़ी 42 हो गए थे, समथिंग 40 हो गए थे मेरे हिसाब से, 40 सब्सक्राइबर हो गए थे एकदम से ही। अब यार 20 सब्सक्राइबर एक ही दिन में बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है बड़े यूट्यूबर्स के लिए, और मैं बड़ा कहाँ हूँ यार, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी वो जो एक ही दिन में 20 हुई, क्योंकि अब चार दिन में एक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ पा रहा है, और वो यार आप ही कर सकते हो, कर दो। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि सब्सक्राइबर नहीं बढ़वाने, लेकिन आपको बढ़वाने ही बढ़वाने हैं, कर दो यार सब्सक्राइब प्लीज़। और चलो यार आप अपनी फॉर्मेलिटी तो निभा दोगे सब्सक्राइब मार के, लेकिन शेयर कर देना। खैर बहुत ही बकवास मार लिया, आपका दिमाग पका दिया मैं जानता हूँ, माफ़ करना उसके लिए। तो यार वो सीन अब बहुत जल्द होने वाला है, बहुत ही जल्द, कि जब मैं ट्रेन से फाइट लेने वाला हूँ, खतरनाक ही सीन होंगे यार देखना मत। मतलब ट्रेन में हम नहीं होंगे, हम जीप लगा के पीछे भागेंगे और एनिमीज ट्रेन में भागेंगे। अब यहाँ पे जैसे तैसे मैं खिला ठुला देता हूँ, यहाँ पे फटाफट से जिप्सी में बैठता हूँ और अब होगी स्टार्ट, धैड़ पैड़ फट फटाई फट। यार मैं बहुत ही अजीब बोल रहा हूँ यार आजकल, कुछ फटैक फुटैक चुटैक फुटैक पता नहीं क्या क्या बोलने लग गए हैं। खैर जो भी हो अब सामने लौंडे हैं और हम ना मारे ऐसा कहाँ होने देते हैं। अब यहाँ पर मैं ठिल 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 ठिला ठिला के मारे मारे जा रहा था। यहाँ पे मैंने सप्रेस की एमपी निकाल ली, क्योंकि यार वो जो गन है ना हाथ में दूसरी वाली, उसका फायर रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। अब यार मैं जानता हूँ गन मतलब बढ़िया है, बहुत बढ़िया है क्लोज रेंज में, लेकिन यार ये भक्ति गाड़ियों में ना वो गन मेरे हिसाब से तो काम की नहीं आने वाली, क्योंकि इसकी गोलियाँ बहुत फास्ट है। तो ये ऐसी गन चाहिए थोड़ी देर तक तो ठीक है, वो बहुत जल्द हारे, वो भी उसका मैग भी बहुत बड़ा है। और यहाँ पे मैं कुछ पंगे ले लेता हूँ सिविलियंस के साथ, सोचता हूँ सिविलियंस को भी गोलियाँ मार दूँगा 2-4, और यहाँ मुझे ही मंगा दिया जाता है। लेकिन देखिए सिविलियंस को देख रहे हो आप लोग क्या चिल्ला रहे हैं, ओ भाई कितना स्लो है। और भाई ये देखो, ओ भाई अगर 2 सेकंड लेट होते ट्रेन तो हमारा भाई क्या ही निकालती हमारा, वो तो हम ही जानते हैं, हम क्या जानते हैं वो तो कोई भी जान लेगा। खैर यहाँ पे अब ठिलाई ठुलाई चल रही होती है, और देख रहे हो ट्रेन में जो लोग हैं उनकी साहस देख रहे हो, दहशत देख रहे हो उन सबका,
किस तरह ट्रेन भगा रहे हैं और इस तरह भगा रहे हैं ना, समझ आ जाएगा किस तरह भगा रहे हैं। क्या ही रेल पलटाएंगे ये, इनको देखो, ड्राइवर को तो चार जूते मारने चाहिए मेरी तरफ से। और यहाँ फिसलाट दी है कतई फिसड्डियों की तरह, पूरी पलटा दी है ट्रेन। ड्राइवर को तो जूते का चप्पल भी खींच के मारने चाहिए थे, हमें भी गिरवा देगा। खैर मुझे नहीं पता ये ट्रेन को क्या दौरे चढ़ रहे थे, लेकिन हमें भी दौरे चढ़ते हैं। और मेरे ड्राइवर को भी मैं सुनाता हूँ गालियाँ, लेकिन वो सुनता तो है नहीं, हम भी जानते हैं कि ड्राइवर नहीं सुनते यार। खैर अब इसमें ड्राइवर की भी कोई गलती नहीं होती, अब वो भी क्या करेंगे, उड़ा के तो ले जाएंगे नहीं गाड़ी। अब यहाँ पे मैं एकदम पड़ा रह जाता हूँ, उसके बाद उठता हूँ और अपनी आँखें पे थोड़ा होश में होश लाता हूँ। होश लाना तो भाई मतलब एकदम मैं अंधा टाइप हो जाता हूँ दो मिनट के लिए, तो बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन उठता ज़रूर हूँ यार, बंदे पे जान बची रहती है, नकली बंदा नहीं था ये। कल जागेगा जाग भी ले, मैं छोड़ो यार क्या ही बोलना था। तो यार आज का वीडियो इतना ही था, अगला पार्ट में ज़रूर आगे डालूँगा, ज़रूर ज़रूर। यार आप लोग बस एक काम कर देना, आज कमेंट करना ठीक है, आज कमेंट मार के ही देना, लाइक करना कर देना, आज लाइक भी मारना, कमेंट बोला है तो लाइक भी मारो। और सब्सक्राइब तो यार हर वीडियो में ही बोलता हूँ, प्लीज़ कर दो सब्सक्राइब प्लस शेयर, सब्सक्राइब शेयर इज इक्वल टू मेरी प्यारी ज़िंदगी। खैर कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, छोड़ो उसको इग्नोर मारो, लेकिन यार कर देना सब्सक्राइब, बहुत बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो यार मैं मिलता हूँ ना अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, और मैं विदा भी लेता हूँ आपसे, गुड बाय। Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a-